अपनी नई वीडियो से, तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इसकी। लोगे इसमें क्या अलग है, ये तो शर्ट है, क्या फालतू की बातें कर रहे हो। मैं बात करने वाला हूं इसकी, ये भी शर्ट है लेकिन आपको इसमें कुछ अलग दिख रहा है, पिक्यूलियर सा दिख रहा है कुछ। हाँ, इसमें व्रिंकल्स आ चुके हैं, बुढ़ापा आ चुका है। कुछ लोगों के है ना, कुछ लोगों को आयरन करना नहीं पसंद होता, तो व्रिंकल्स कैसे हटाने वो भी बताऊंगा, हैक्स भी बताऊंगा बढ़िया बढ़िया से। और अगर कुछ लोगों को आयरन करने के बाद भी उनकी कुछ गलतियों की वजह से वो अपनी मम्मी की आयरन करने की मेहनत को खराब कर देते हैं ना, उनको भी ठीक करूंगा आज, मार मोर के नहीं, समझा के मेरे भाइयों को। जो आप गलतियां कर रहे हो वो गलती मत करो, मम्मी की मेहनत खराब मत करो। चलो वीडियो की तरफ, सारी चीजें बताता हूँ। पॉइंटिंग हैक होने वाला, आपको क्या करना है, आपकी आयरन हो भी चुकी है, उसके बाद किसी वजह से व्रिंकल्स आ गए हैं ना, या फिर आपको बहुत जल्दी कुछ करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक स्प्रे बॉटल में हॉट वाटर ले लो, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्टीमिंग हो जाएगी इस शर्ट की, और उसके बाद आप उसको स्प्रे कर लो जहां जहां पे व्रिंकल्स है, खाली उसी जगह पे करना। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना प्यारा सा हेयर ड्रायर लो और है ना उसको है ना ढंग से है ना यू पास जाके है ना हीट दे दो पूरी सी, जिसकी वजह से है ना स्टीमिंग और है ना पूरा आयरन वाला इफेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा पास मत लेके जाना हेयर ड्रायर, नहीं तो हेयर ड्रायर की हीट है ना अपने आप उसके अंदर ही घुस जाएगी और है ना वो ओवरहीट होने की वजह से खराब भी हो सकता है। इसमें हीट सेंसिटिविटी है, मैंने ये गलती करी थी, ये ओवरहीट होके बंद हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे ही है ना, मतलब इसका थोड़ा सा टेम्परेचर कूल हुआ और ये सही हो गया। तो प्लीज ये गलती मत करना, हो सकता है आपका हेयर ड्रायर खराब भी हो जाए, हल्का सा डिफरेंस रखना ताकि हीट अपने अंदर ना घुस जाए उसके और पूरे रिंकल्स हट जाएंगे। और आप चाहो ना तो इसके एक्स्ट्रा माइल स्टेप भी कर सकते हो, अगर आपकी आयरन खराब हो गई है ना तो आप आयरन से ना पूरा वेट का यूज कर सकते हो, आयरन के वेट का यूज कर सकते हो और हीट हेयर ड्रायर की यूज कर सकते हो, दोनों खेल खत्म हो जाएंगे। सेकंड होने वाला है, आपको लाइट वेट फैब्रिक्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अब बोलोगे फिर गर्मी में क्या हम लोग पसीने में सड़े, अरे मैं ये कह रहा हूं आपको हैवी फैब्रिक्स लेने हैं, लेकिन आपको जो वीव लेना है ना उसका बिल्कुल ओपन लेना है, मतलब लिनन में है ना आप हैवी फैब्रिक्स मतलब हाई जीएसएम मतलब ग्राम्स पर मीटर वाला फैब्रिक ले सकते हो, जिसकी वजह से ना आपका जो वीव है ना वो ओपन होगा, ठीक है, उसकी वजह से ना अंदर एयर पास ऑन होती रहेगी। लेकिन जब फैब्रिक हैवी होता है ना उसका बॉडी पे ड्रेप बहुत अच्छा आता है, जिसकी वजह से रिंकल्स नहीं आते, याद रखना। और लिनन में ना आप 100% लिनन मत लेना, कॉटन मिक्स लेना, नहीं तो वो बहुत ज्यादा रिंकल करता है, याद रखना। थर्ड होने वाला है, आप नायलॉन और पॉलिएस्टर वाले मिक्स फैब्रिक्स भी ले सकते हो, जो टेक्निकल फैब्रिक्स होते हैं, जिसकी वजह से लेने पूरी ही खत्म हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली आपकी है ना मतलब आएंगे ही नहीं रिंकल्स। पॉइंट आपका टेक्निकल फैब्रिक्स का। फोर्थ पॉइंट होने वाला है आपके टी-शर्ट के या फिर शर्ट के फिट का। आपका फिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपकी बॉडी को ढंग से हग करेगा ना तो वो जो शर्ट, जैसे मैंने अभी मैंने ये नहीं पहन रखी है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें रिंकल्स आ रहे हैं और ये है ना अपने आप है ना स्क्रंच हो रही है शर्ट, जैसे ही मैं इसको पहनूंगा ना इसका फिट बिल्कुल परफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा ये शर्ट का फैब्रिक स्ट्रेच होगा और रिंकल्स सारे हट जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट होने वाला है आपकी, फिफ्थ टाइप के रिंकल्स होने वाले शोल्डर, नहीं नॉर्मल है ना आपके है ना निपल्स निकल जाते हैं, मतलब फैब्रिक से ना बाहर की तरफ निकल जाता है थोड़ा बहुत, और है ना एक एरिया ना यूं खिंचा हुआ सा हो जाता है, आप यहां पे देख सकते हो है, वो क्यों होता है, आप हमारे हम इंडियन से ऑब्वियसली हमारे ना हर डोर के पीछे ना एक हैंगिंग स्टैंड्स होता है जिसके पीछे कीले सी निकली हुई होती है, हम उसके ऊपर कपड़े टंगा देते हैं, उतना एरिया वो फिर बाहर निकल जाता है, उसकी प्रॉब्लम कैसे सही करनी है उसको सबको हैंगर्स में टंगाओ। अब सिक्स्थ होने वाला है, आप लोग हैंगर्स में शर्ट टंगाते हो तो आपके पास है ना बिल्कुल पतले वाले लोहे वाले हैंगर्स हैं, आप सबके लिए ना ऐसा महंगा प्लास्टिक वाला हैंगर या फिर वुडन हैंगर नहीं ले सकते, जिसकी वजह से आपका शोल्डर है ना खराब ना हो, ठीक है। अब आप कैसे लटका सकते हो, जैसे आप प्रेस करके आयरन करके किसी भी शर्ट को रखते हो तो आप इस तरीके से किसी भी शर्ट को लटका सकते हो, जिसकी वजह से ना आपका शोल्डर भी खराब नहीं होगा और दो शर्टें एक ही हैंगर पे आ जाएगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे। सेवेंथ होने वाला है, आपकी लेदर जैकेट पे क्रीजेस आ गई है या फिर आपकी लेदर शूज पे आपने शू ट्रीज नहीं डाले या फिर ना कोई क्लॉथ व्लॉक नहीं डाला उसमें अंदर या फिर कागज नहीं डाला, जिसकी वजह से उसकी जो शेप है ना वो रिजुविनेट नहीं हो पा रही है और क्रीजेस आ गई है, या फिर आपने अपने लेदर जैकेट को है ना अभी अभी है ना या तो धोया है, धोना नहीं है, क्लीन करना है नॉर्मल लेदर शैम्पू से और है ना आपको लेदर कंडीशनर लगाना है उसके बाद, क्योंकि वो स्किन होती है किसी एनिमल की, उसको रिज्यूविनेट करना है बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर हमने प्रोफेशनली क्लीन करवाया आपको ढंग से नहीं आता तो उसके बाद क्रीजेस आ जाती है, तो आपको क्या करना है एक डैम्प क्लॉथ रख देना उसके ऊपर, जिसकी वजह से सारी हीट तो वही एब्जॉर्ब कर देगा और स्टीम प्रेस है ना 10-10 सेकंड के लिए एक एक एरिया पे लगानी जहां पे है ना रिंकल्स नहीं है, सारे रिंकल्स हट जाएंगे। ऐसा ही आप शू के साथ भी कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई वुलन क्लॉथ्स है मतलब जो वुल से बने हुए हैं उनके ऊपर भी आप डायरेक्ट आयरन मत करना, आप चाहो तो अपना टॉवल भी लगा सकते हो जिसकी वजह से मैक्सिमम हीट है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वुल का कपड़ा खराब नहीं होगा। हीट होने वाला अपने बेड के ऊपर प्लीज प्रेस मत करो, किसी टेबल के ऊपर करो जो प्लाई वाला हो, बढ़िया वाला हो, जिस जो है ना जिसके सर्फेसिस इरेगुलर नहीं हो। बहुत लोग कॉटन मैट्रेसेस यूज करते हैं, कुछ लोग है ना टाइट फोम मैट्रेसेस यूज करते हैं, टाइट फोम मैट्रेसेस तो वापस अपनी शेप रिटेन कर लेती है सो के उठने के बाद, लेकिन कॉटन मैट्रेसेस नीचे दब जाती है जिसकी वजह से आपकी आयरन ढंग से नहीं हो पाएगी और उसमें रिंकल्स रह ही जाएंगे आपकी शर्ट पे। टेंथ होने वाला आपकी आयरन में कुछ वेट होना चाहिए, इतनी लाइट वेट फेदर वेट आयरन यूज करते हो जिसकी वजह से दम लग नहीं पाता और है ना रिंकल्स हटते ही नहीं है। तो लास्ट होने वाला है अपनी
टी शर्ट को और शर्ट को हैंग ड्राई किया करो, जिसकी वजह से नीचे ग्रेविटी उसको पुल करेगी और उसपे रिंकल्स नहीं आएंगे। ड्रायर में यू कुचुड़ मुचुड़ होकर डाल देते हो और जिसकी वजह से रिंकल्स रह जाते हैं और वो दरी सूख जाती है उसी शेप में। बाय बेटे, केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।